बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान ने मन्नत में फहराया था तिरंगा। अब शाहरुख खान की देशभक्ति पर उठ रहे हैं कई सवाल। देशभक्ति के नाम पर मन्नत पर तिरंगा फहराना शाहरुख खान के लिए काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी स्ट्रगल किया है। पूरे देश का प्यार हासिल करने के लिए शाहरुख ने काफी जतन किए हैं, लेकिन अब हाल ये हो गया है कि वो कुछ भी करते हैं उस पर लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। जिन लोगों को वो सालों से अपनी फिल्मों के जरिए एंटरटेन कर रहे हैं, अब वही लोग उन पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा के ने हाल ही में अपने घर मन्नत की छत पर तिरंगा फहराया और आजादी के जश्न में शामिल हुए, लेकिन कई लोगों को ये बात खटक गई और लोग एक्टर की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हो। चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, किस वजह से शाहरुख और उनके पूरे परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया था और इसी कैंपेन का हिस्सा बने थे शाहरुख खान और उनका पूरा परिवार। उन्होंने अपने घर मन्नत पर पूरे परिवार के साथ तिरंगा लहराया, लेकिन ये बात उन्हें नफरत करने वालों को काफी बुरी लगी, तो लोगों ने शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये लोग एक्टर की देशभक्ति पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, इसके साथ ही SRK के लिए गंदे गंदे कमेंट्स भी कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने उनकी अपकमिंग फिल्मों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। शाहरुख खान ने बेहद गर्व के साथ वाइफ गौरी और बच्चों आर्यन अब्राम के साथ घर पर तिरंगा फहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इस देश के प्रति अपने प्यार को जाहिर भी किया। वीडियो में देख सकते हैं आप कि सभी मिलकर किस तरीके से देश का राष्ट्र ध्वज लहरा रहे हैं। अब इसी बात को लेकर लोग उन पर निशाना भी साध रहे हैं। शाहरुख खान के पोस्ट पर कई लोग अपमानजनक कमेंट कर रहे हैं। जहां देश ने 75वें आजादी का जश्न मनाया, वहीं देश के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक को ट्रोल से आजादी नहीं मिली। लोग उनके पोस्ट पर गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप भी तिलमिला जाएंगे। एक यूजर ने शाहरुख खान के झंडा फहराने पर उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कमेंट किया, मुस्लिम हो और फ्लैग इंडिया का लहरा रहे हो। देश का तिरंगा फहराना हर देशवासी के लिए गर्व की बात होती है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद कई लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख के लिए सब कुछ बराबर है, वो होली, दिवाली और ईद पर नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से शाहरुख खान तिरंगा फहराते नजर आए हैं पूरे परिवार के साथ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शाहरुख खान को गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान और डंकी को लेकर निशाना साधा। उसने लिखा, ये सब करने से पठान और डंकी हिट नहीं हो जाएंगी। आपको बता दें, इन दिनों बॉलीवुड के बॉयकॉट करने की हवा बहुत तेजी से बह रही है, ज्यादातर हिंदी फिल्में इसका शिकार हो रही हैं। हाल ही में आपने लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का हाल तो देख ही लिया, ये दोनों ही फिल्में नफरत की भेंट चढ़ गई। इतना ही नहीं, इन दिनों तो हिंदी फिल्म का ऐलान होते ही उसे बॉयकॉट करने की बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है। कुछ लोगों ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन तक को नहीं छोड़ा। एक यूजर ने लिखा कि आर्यन को बोल्ड ड्रग्स वाले हाथ से फ्लैग टच न करे। पिछले साल आर्यन को ड्रग्स केस में NCB ने गिरफ्तार किया, वो कई दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे भी रहे, फिर वो जमानत पर बाहर आ गए और अब उन्हें इस केस में क्लीन चिट भी मिल गई है। लेकिन नफरत करने वाले लोग शाहरुख खान के साथ उनके परिवार को भी ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त शाहरुख खान को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर पूरे परिवार के साथ उन्होंने तिरंगा लहराया और इसके साथ ही जो मजहबी लोग हैं, जो कि बहुत ज्यादा नफरत फैलाने का काम करते हैं, वही शाहरुख खान और उनके परिवार को गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि लोग इस तरह के भद्दे कमेंट्स का कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो किस धर्म का पालन करते हैं। इसके साथ ही शाहरुख खान के सपोर्ट में कई सारे लोग भी खड़े हो गए हैं, जो कि इन ट्रोल करने वालों को करारा जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान को जिस तरीके से तिरंगा फहराने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड TV से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।